कोका कोला हर लम्हा पुरजोश के ये आखिरी मराहल हैं, आखिरी मोमेंट्स हैं, तो आज मैं जरा हल्ला गुल्ला करेंगे और इतने बड़े बड़े मेहमान हमारे साथ हैं, जनाब फैसल जावेद साहब और द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान हुमायूं सईद साहब। सर एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। भाई आज लाइटर साइड में ठीक है ना, तो मुझे बताएं, मैं कुछ मासूमाना सवाल करूंगा, आपने उसके जवाब में कुछ सियासतदानों के नाम लेने और आपने कुछ अदाकारों के, ठीक है? तो आपकी इंडस्ट्री में यानी कि सियासत में सबसे बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? सबसे बेहतरीन सेंस ऑफ इमरान इस्माइल। अच्छा, गवर्नर से। ओके, आपकी इंडस्ट्री में? वासे चौधरी। ओके, पका था कौन बोल रहा है? अहमद भट्ट। हाँ, अहमद भट्ट सही जवाब। आपने सियासतदानों का नाम लेना। हाँ, अहमद भट्ट भी थोड़े बहुत सियासतदान तो हैं। थोड़े बहुत है ना, जो पूरे आप में से किसी का। पक्का मिफ्ता इस्माइल। अच्छा, अब ये अच्छा है इनके लिए, ये मुखालिफ पार्टी का नाम भी ले सकते हैं। अच्छा, बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस किसका आपके ख्याल में, आपकी इंडस्ट्री में? काफी लोग हैं, लेकिन आपके यार एक पहला नाम जो ज़हन में है, अदनान सिद्दीकी। और आपके फील्ड में? हमाद हसन। ओके, दिल से बहुत ज्यादा रोमांटिक कौन है आपके अलावा? ये ऐसा सवाल है कि बंदा कह रहा है क्या सवाल है, इसीलिए मैंने कह दिया कि आपके अलावा। और फैसल कुरैशी। मेरा ख्याल इस पे भी अगर अवार्ड हो तो वही हो गए, पहले नॉमिनी हुमायूं सईद है, दूसरे हुमायूं सईद। नहीं, और भी हैं, मैंने वैसे ही अपना नाम ले लिया। ठीक है, ओके, अब मैं नहीं रहा। अच्छा, पुरानी वक्तों की बातें हो गई, वो क्या बद अच्छा बदनाम बुरा वाला हो गया। हाँ, सही बात। और आपकी फील्ड में? किसी गैर शादीशुदा का नाम लेना पड़ेगा। हाँ, ये आपकी मर्जी है भाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे भी इमरान इस्माइल ही कर ले। अच्छा, ओके। हुमायूं भाई, अगर आप फिल्म बना रहे हैं पंजाब नहीं जाऊंगी एक बार फिर, और आपने उसमें किसी सियासतदान को हीरो लेना है, कौन होगा वो? आप सोचने, आपने किसी एक्टर का नाम बताना है, ये उल्टा है, इन्होंने सियासतदान बताना है, आपने एक्टर बताना है। मुझे तो पता है। पंजाब नहीं जाऊंगी का हीरो तो शेख रशीद साहब। अच्छा। पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, कोई अदाकार जब जो थे उसके अलावा? इनके अलावा मैं वैसे एक बार बताऊं, इनके अलावा कोई फिट नहीं बैठता है उस कैरेक्टर में। वाह यार, ये था बहुत ही कमाल। मैं हूं शाहिद आफरीदी का रोल किसी सियासतदान ने करना हो इसको मीरा के साथ हीरोइन कास्ट कर ले। मीरा के साथ हीरोइन? मीरा के साथ हीरो, मीरा को हीरो बना दे। ट्विस्ट। अच्छा, डिफरेंट लाया हुआ है, डिफरेंट है भाई। वाह वाह सर, आपने हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है भाई। हमारा अगला राउंड है यॉकर राउंड, दोनों सवाल करेंगे हमारे साथ। हुमायूं भाई, अब तेरी के इंसाफ से अच्छी पार्टी पाकिस्तान में नहीं है यार, हाँ या ना? हाँ, ठीक। इमरान खान साहब ने जो नया क्रिकेट का डोमेस्टिक जो निजाम बनाया वो आइडियल है, बेहतरीन है। अच्छा, ओके, सही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। उसकी वजह डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई, 2500-3000 लोगों की बेरोजगार खत्म हुआ। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि खान साहब के आने के बाद ये डिपार्टमेंट के खत्म हो गए, लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। इस पे काफी डिबेट हुई है और वो आने वाला है। जैसे देखें ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, 40 साल से इमरान खान साहब यही कह रहे हैं आने वाले वक्तों में, उसमें ये बात ठीक है कि सब फैसल भाई ठीक है, बाकी हम 11th में बुलाएंगे आप दोनों जावेद भाई, लेकिन एकदम से आके उनको ये नहीं करते हैं, इसमें आगे 11th में बुलाएंगे ना फैसल भाई को। अच्छा हुमायूं भाई, पीपल्स पार्टी कभी पंजाब नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, ओके। मैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फैन हूँ। हाँ। आपने एक वो जवाब है जो हुमायूं भाई ने दिया है और एक वो जवाब है जो उनके एक्सप्रेशन ने दिया है,
वो दोनों आ गए नहीं हमें हंसते हुए दिया खुश होकर मैंने भी तो ये कहा कि अच्छे जवाब दिए दोनों बिल्कुल सही अच्छा फैसल भाई यूनुस खान का पीसीबी छोड़ना एक बहुत बड़ा नुकसान मैं पहले उस्मान बुज़दार पे एक बात कर दूं कर लें आपने कर, आपने कहा बात गरीबों का दर्द रखने वाला आदमी है ना उसको सब लोग पसंद करते हैं बुज़दार एक एक मस्कीन आदमी है एक मस्कीन आदमी मस्कीन अच्छा और हुक्मरानों को ऐसा ही होना चाहिए डाउन टू अर्थ होना चाहिए आम आदमी पे ध्यान रखना चाहिए सही है वो कोई उनमें कोई कॉस्मेटिक अपील नहीं है ना वन ठन नहीं है सजावट नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भारत से ज्यादा टैलेंट है बिल्कुल सही अच्छा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा आगे है बिल्कुल सही अच्छा ये कहना कि तुर्किश ड्रामों से हमारी लोकल इंडस्ट्री मुतासिर हुई है बिल्कुल गलत गलत है आप समझते हैं कि आने चाहिए लोकल टर्की से ड्रामा वगैरह बिल्कुल आना चाहिए और इससे हमारा लोकल टैलेंट बेरोजगार होता है उसको वो ऐसा कुछ नहीं है अच्छा बहुत काम है माशाल्लाह तो यानी अगर मुझे बताएं फॉर एग्जांपल अगर स्लॉट्स हैं 100 मिसाल के तौर पे तो उसमें जाहिर है जितने ज्यादा टर्किश ड्रामे में सिर्फ समझने के लिए पूछ रहा हूँ जितने ज्यादा टर्किश ड्रामाज आएंगे उतना लोकल कंटेंट कम होगा और अकॉर्डिंगली काम भी कम मिलेगा नहीं इतने आएंगे ही नहीं अच्छा एक पूरे चैनल पे आते थे एक एक वक्त में हाँ हर वक्त उसमें वही चल रहा होता था हाँ बैक टू बैक क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे बस अब खत्म हो गया ना वो कितने लाएंगे वो यहाँ पे ड्रामा अच्छा ओके तो ये कभी कोई अच्छा ड्रामा जो है वो यहाँ पे आ जाता है जिससे हमें भी फायदा होता है उनको भी होता है और इसी तरह होना चाहिए पूरी दुनिया से आने चाहिए पहले इंग्लिश फिल्में भी लगती थी सैटरडे नाइट स्पेशल नहीं थी तब अंग्रेजी फिल्में भी लगती थी हॉलीवुड भी लगती थी हॉलीवुड से जरा सी नीचे चीज कोई आती है तो हम समझते हैं कि बस हमें हमें डर लग जाता है इनसिक्योर हो जाते हैं ऐसी कोई जरूरत हॉलीवुड हमें बड़ा कूल लगता है अपना अच्छा काम करें और अच्छी चीज यहाँ पे चले कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमारा अगला राउंड है गुगली राउंड की तरफ बढ़ते हैं यानी कुछ खाली जगह वो पुर करनी है फिल इन द ब्लैंक्स इमरान खान साहब की डैश बात का फैन किसी एक बात का उनकी नेक नियति का अच्छा और इमरान खान की डैश आदत पसंद नहीं गुस्सा कभी कभी डांटने वाला आपको आखिरी बार दफा कितने बजे डांटा था कितने बजे मतलब कितनी देर पहले कब हाँ मुझे तकरीबन 3 हफ्ते पहले किस बात में बस मैंने एक शो के अंदर वो हम एक प्रोग्राम करते हैं आपका वजीर आजम जी 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 उसमें कॉल्स वगैरह होती है गलती कर दी थी उसमें हल्की सी डांट पड़ी फंबल वंबल कर दिया था कोई आपने नहीं फंबल नहीं किया था गलत कॉल दे दी थी कोई नहीं नहीं गलत कॉल नहीं कॉल में कॉल्स मेरी कंट्रोल में नहीं होती उसमें कॉल प्लांटेड प्लांटेड लाइव चल रही नहीं लाइव चल रही उसी वक्त चल रही मैं आपको बताऊं किसी की भी कॉल मिल सकती है पहला प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया प्राइम मिनिस्टर को जब ये पता चला कि रिकॉर्डिंग हुई उन्होंने कहा आइंदा से प्रोग्राम लाइव होगा किसी की भी कॉल मिल सकती है बिल्कुल डिले सिस्टम होता है उसमें डिले नहीं है उसको उल्टा सीधा कह दे वो एक तो होता है तंकीद कर दे लेकिन कुछ उल्टा सीधा ही कह दे तो खान साहब कहते हैं क्या खैर है अच्छा ठीक है यार देख कितना खयाक आदमी है यार ही सो स्मार्ट इसने खान साहब की नेक नियति की बात की है फिटनेस की बात नहीं की वरना इसको पता है 5 किलो वजन बांध के 10 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट हुमायूं भाई अगर मुझे इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट करनी हो तो वो डैश होगी क्या हो कि सर जरा ये देख लें जरा व्हाट इज द वन रिक्वेस्ट यू वुड लाइक टू मेक टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुमायूं से गुरु मैं बोलता हूं उनको हिम्मत ना हारिएगा हिम्मत लगे रहें ओके ठीक है खलील रहमान कमर साहब से इस पर इतना कहना चाहूंगा कि डैश क्या गुस्सा कम किया करो सही है ओके और कुछ दो चार नाम है फाद मुस्तफा डैश बहुत अच्छे हैं अदनान सिद्दीकी डैश डैश ही हैं ओके अगर एक्ट्रेसेस की बात करूं तो सबा कमर डैश मगर मैं भी शायद डैश यार दोनों एक जैसी है कुछ जरा फर्क ही रख लेते अभी दोनों अच्छी एक्ट्रेस हैं दोनों लंबी हैं दोनों लंबी चौड़ी हैं सबा कमर की जगह किसी और का नाम ले किसको रख लो हानी आमिर अच्छा आप बता दें अब देखें वो छोटी है वो बड़ी है कुछ आवाजें वो आपने पहचाननी है अब देखते हैं कि आप जिसको जो पहले आवाज पहचान ले उसने बताना है कि उसका सही आंसर होगा ठीक है लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हमारे सईद साहब और फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश
जनाब अली हर लम्हा पुरजोश खत्म हो रहा है और इस पूरे सीजन के दौरान डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन बड़ी मशहूर रही, एक पॉइंट से या दो पॉइंट से मैं हार गया, कोई बात नहीं, हार तो हार होती है, जीत तो जीत होती है। डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। राशिद लतीफ साहब सर, आप डॉक्टर साहब के लिए ये खुसूसी तोहफा पेश कर दें, 17 पॉइंट डॉक्टर साहब के और मेरे 15 पॉइंट हुए थे, सीजन जीत दिया डॉक्टर साहब ने, क्या वाह, खड़े हो गए भाई, वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां। अहमद शाह साहब बहुत सारी तालियां, एक दफा फिर वसीम भाई से जीत गए। और WB भाई हिमानी की जाने से खुशबुओं का तोहफा है सर आप दोनों के लिए, और जिन जिन दोस्तों को मैं अब तक पेश नहीं कर सकूं, यानी सर आपके लिए, सर आपके लिए, आपके लिए, आप सबके लिए, मैंने आपको पहले शो में पैसे दिए थे, इसके अब आप 30 दिन बाद डिलीवरी लेट है आपकी। ओके, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आखिरी सेगमेंट हमारा, कुछ आवाजें पहचाने जरा आप लोग तो पहचानते हैं, आवाज पहचानते हैं, इधर देखें तो पहली आवाज जरा आपने पहचानी है, फैसल भाई क्विकली चलाइएगा भाई। फकत मेरे दिल से उतर जा, यही है, दिखाएं जरा, फकत क्या बात है, बिल्कुल वाह भाई, वसीम भाई सबसे इजी क्वेश्चन था ये। अच्छा और क्या, थोड़ा मुश्किल कर ले, मुश्किल करें, यही आवाज, मतलब यही गाना है, कोई और गा रहा है, ये आपने ही पहचानना है। अब पूछे कौन गा रहा है, सुना, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, बस ये इनका आखिरी गाना था, मेरा ये भरम था मेरे, ये कौन है, पीटर ने गाया था, आपने नहीं बताया, चीटिंग थी। अरे थ्री इंजी भाई, इंजी भाई दिखा है तो क्रिकेटर ही, अच्छा दिखाए भाई कौन है, अकमल गलत हो गया, ये देखा, ये गलत हो गया, मैं समझा। अब अगली आवाज हमारे भाई आपने पहचान नहीं, सुनाए भाई, ये यॉर्कर तुम्हारे कराने का काम नहीं है, यॉर्कर मैं कराता हूँ, ये कौन है, 3 2 आपको पता है, अच्छा आपने हार मान ली है, हाँ। आपकी बिरादरी का है यार, अच्छा सिंगर है, सिंगर है, हाँ फैसल भाई कौन है, मैं जो समझ रहा था वो मैं समझ रहा था हमजा है, लेकिन अली, अरे हमजा अली अब्बासी नहीं है, दिखाए कौन है, अली दूसरा नाम लिया अली, अगली आवाज जरा आप दोनों में से जो भी पहले पूछने, मैं देखता हूँ कौन पूछता है, सुनाए जरा, रोल मापुनिसा दोबारा दम निकलना जाए जरा दम लगा, रमीज राजा, नहीं है रमीज राजा, दिखाए क्या बात है, दोबारा अगली आवाज सुने जरा, ये कौन है, इसने भी गाया बहुत बुरा गाया, लेकिन बहुत बुरा किसने गाया है, शफात, शफात ने गाया, हाँ भाई, एनी गेसेस, क्रिकेटर है, ओ कामरान अकमल, नहीं कामरान अकमल, उमर अकमल, उमर अकमल, उमर अकमल दिखाए, आखिरी आवाज सुना दो भाई, हर लम्हा पुरजोश की आखिरी आवाज सुनाए भाई, कौन है, क्रिकेटर है, अच्छा आपको अंदाज हो गया, इतना पूरा क्रिकेटर ही गा सकते हैं, हाँ भाई क्रिकेट टीम का हिस्सा है, मतलब ये सेल शायद कप्तानी वप्तानी हो सकता है कि हो, हफीज, हफीज जनाब, वहाब रियाज, दोनों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गलत दिखे, शादाब खान गा रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच, फाइनल जारी है, फाइनल देखिए 83 गेंदों में 165 रन चाहिए सर, हमारे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा बड़ी इज्जत देते हैं और बहुत खुशी होती है आपको, फैसल भाई यू आर ऑलवेज वेरी काइंड, हमेशा आते हैं हमारी दावत में, थैंक यू वेरी मच सर, हर लम्हा पुरजोश के फेयरवेल शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हर लम्हा पुरजोश का एक और सीजन खत्म हो रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी टीम के लिए, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सबके लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, अल्लाह ताला कामयाब रखे इंशाल्लाह, हर लम्हा पुरजोश के अगले सीजन में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो, नासिर मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद।